स्वावलंबी भारत अभियान के तहत दमोह जिला मुख्यालय पर शर्मा क्लासेस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़े लोगों की मौजूदगी में सैकड़ों छात्रों के बीच इस योजना का शुभारंभ ऑनलाइन किया गया। इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की और अन्य संगठनों से जुड़े प्रमुख लोगों की उपस्थिति रही। स्वावलंबी भारत अभियान के तहत अनेक लोगों के द्वारा अपने विचार भी रखे गए, तो इस योजना के शुभारंभ पर विभिन्न संगठनों के माध्यम से युवाओं को जोड़ करके उन्हें स्वावलंबी बनाए जाने की बात भी कही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। जानकारी देना चाहता हूँ, विदित हूँ आप लोग, स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देश दुनिया में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उनको रोजगार की तरफ लाने का, स्टार्टअप तैयार करने का यह रुझान है। अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व भैया करवाए जी, भैया जोशी जी छतरपुर से एक साथ 21 जिलों का रोजगार सृजन केंद्रों का उद्घाटन कर रहे हैं। उसी क्रम में दमोह जिला भी है और आज यहाँ पे शर्मा क्लासेस में पूरे युवाओं को स्टार्टअप के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और बेरोजगार जो हैं उनको स्वरोजगार में कैसे स्थापित करें, उसी के अंतर्गत यह कार्यक्रम है। जब ये कई जिलों में ये कार्यक्रम का आयोजन, बहुत अच्छी जानकारी है आपने पूछी है। सभी जिलों में ऐसी व्यवस्था पहले से भी है। महाकौशल में, दमोह में प्रथम बार उस जैसी तारीख में रोजगार सृजन केंद्र की स्थापना की थी, अपन ने संचालित है वहाँ पे। उसी क्रम में यह दमोह के बीच में ऐसा केंद्र स्थापित करने का विचार आया था प्रांत में कि शहर के बीच में हो, तो जिले का यह केंद्र खोला जा रहा है रोजगार का। वहाँ पर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। जहाँ पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है शर्मा क्लासेस में, सिर्फ आज के लिए है। हमारे जो रोजगार सृजन केंद्र की स्थापना सब शुक्ला कॉम्प्लेक्स चर्च गेट के सामने, वहाँ पे स्थायी रूप से है, वहाँ पे व्यवस्था की गई है, वहाँ पे विशेषज्ञ हैं, कंप्यूटर व्यवस्था है, शासन और मध्यप्रदेश शासन केंद्र शासन की बेरोजगार लोगों को कैसे रोजगार में हम स्थापित करें उनकी योजनाओं पर संचालित की जाती है। जो भी बेरोजगार वहाँ पर आएगा स्वावलंबी रोजगार को लेकर, वहाँ पर विशेषज्ञ उन्हें मार्गदर्शन देंगे, उनकी फाइलें तैयार करवाएंगे और जहां उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है कि हमें क्या करना है, हमारी दिशा क्या हो, वो दिशा का मार्गदर्शन वहां पे होगा। और समय समय पे सप्ताह में एक दो दिन विभाग के अधिकारी, संपूर्ण विभाग के अधिकारी भी आके मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यह निःशुल्क ही रहेगा। यही